नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेपी डिजिटल और मैं हूं काजल आपके साथ। उपराजधानी नागपुर के तुलसी नगर में मंगलवार रात 50 वर्षीय सुदर्शन कावले नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अनैतिक संबंधों के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया और दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी शुभम देशपांडे ने अपने दोस्त सचिन उर्फ भूरिया की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम की मां और मृतक के बीच पिछले 15 साल से अवैध संबंध थे और इसी बात से नाराज होकर शुभम ने अपने साथी की मदद से 50 वर्षीय सुदर्शन कावले की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कल रात को 8:30 बजे सुदर्शन बालकृष्ण कावले, उम्र 50 साल, रहना सुदर्शन नगर यशोधरा नगर, जिसकी हत्या माड़ा कॉलोनी शांति नगर वह चौक में हुई थी। जिसके मारने वाले दो लड़के थे, वो लड़कियों का एक का नाम है शुभम देशपांडे और दूसरे का है भूरिया, सचिन भूरिया। ये दोनों ने मिलकर उसके चाकू से मारा था। इसका कारण यह था कि शुभम देशपांडे की जो माँ है उसका और ये मृतक है सुदर्शन, इनका अफेयर था। वो उसको मालूम था, इसका मन में उसका गुस्सा था, तो वो बहुत डिप्रेशन में गया था। तो इसके वजह से उसने ये बुरे के साथ चर्चा की और फिर दोनों ने प्लान किया है कि उसको मारने का है, तो उस वजह से उन्होंने कल उसको उधर मारा था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मृतक सुदर्शन को घसीटते हुए माहड़ा कॉलोनी तक ले गए। शांतिनगर की माहड़ा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 8:30 बजे घटित इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या की वारदात के पहले का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें हमलावर वारदात के पहले मृतक सुदर्शन का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं।